हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्र इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस या बोला जाए तो प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो इसकी प्रोसेस में फाइव स्टेप्स होती फर्स्ट आता प्लान या प्लानिंग सेकंड है डेवलप या डेवलपिंग थर्ड है मेक या मेकिंग फोर्थ है डिलीवर या डिलीवरिंग और फिफ्थ है रिटर्निंग इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं फर्स्ट हम देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि गुड्स का मूवमेंट या उसकी स्टोरेज कैसे होती है तो फर्स्ट हम देखते हैं रॉ मटेरियल की आपको कितनी आवश्यकता है तो आप उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए खरीदते हैं फिर सेकेंड आता है वर्क इन प्रोसेस जिसमें कि आप इन्वेंट्री का फ्लो या इन्फॉर्मेशन का फ्लो करते हैं ताकि प्रोडक्ट बन के कम्प्लीट हो सके और फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारा रेडी होता है फिनिश गुड्स जिसमें कि आपने प्रोडक्शन किया फिर बन के रेडी हुआ फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो ये पूरी प्रोसेस करते हैं आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर तो इसका मेन फंक्शन होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कि जो मटेरियल का फ्लो है वो सही तरीके से होते रहे इन्फॉर्मेशन का फ्लो फाइनेंस का फ्लो की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक सिक्वेंस प्रोसेस है जिसमें आप प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आप मैनेज करते गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को किसी भी बिजनेस में इफ़िशेंटली तरीके से और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में कि आप कम से कम कॉस्ट में इसकी प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर सके तो इसकी प्रोसेस की जो हमने पांच स्टेप्स देखी थी उनको हम डिटेल में देखते जिसमें था प्लान डेवलप मेक डिलीवर और रिटर्न तो फर्स्ट आता है प्लानिंग ये किनिशर या फर्स्ट स्टेप होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस की और इसमें आपको डेवलप करना होता है प्लान को स्ट्रैटेजी को ताकि आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर की डिमांड के लिए बना सकें उनको सेटिसफाइड कर सकें उनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें तो इस स्टेज में आप प्लानिंग करते हैं इसका मेनली फोकस होता है कि आप स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करते हैं कि सही स्ट्रेटेजी बनी चाहिए और जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो आप इसमें मैनेज करते हैं आपके सारे रिसोर्स आप को आप प्रोडक्ट को सर्विसेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे कैसे स्ट्रैटेजीज बनाएगी कंपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फोकस होता है प्लानिंग करना डेवलप करना मैट्रिक्स को मतलब आप इसमें प्लान बनाते हैं आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस का कि कस्टमर की डिमांड को देखते हुए आप कैसे पूरा प्रोडक्ट बनाएंगे और उन तक सप्लाई करेंगे सेकेंड आता है डेवलपिंग जब हमने प्लानिंग कर ली उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम डेवलप करते हैं या सोर्सिंग करते हैं तो इसमें आपका मेन फोकस होता है कि आप अच्छे रिलेशनशिप को बनाते सप्लायर्स के साथ में जो कि आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है जिसकी की आपको प्रोडक्शन में जरूरत होती है तो आप इसमें सप्लायर को तो पता करते हैं साथ में आप देखते हैं कि कौन सी मेथड से आप प्लानिंग करेंगे आप इसमें मेथड्स को देखते कि आप प्लान को बनाए कि किस तरीके से आप काम करने वाले हैं तो उसको प्लान को डेवलप करते हैं तो इसमें आप देखते हैं शिपिंग की कौन सी मैथड्स होगी डिलीवरी कैसे होगी प्रोडक्ट का पेमेंट कैसे होगा तो कंपनी को नीड होती है कि वो सप्लायर्स को सिलेक्ट करे कैसे वो आइटम्स को डिलीवर करेगी सर्विसेस को देगी और प्रोडक्ट को बनाएगी तो इस स्टेज में सप्लाई चेन मैनेजर को नीड होती है कि वो देखे कि प्रोडक्ट के प्राइसिंग को वो कैसे बना रहा है कब डिलीवरी होगी कब पेमेंट होगा तो सप्लायर इसके मैट्रिक्स को क्रिएट करता है और कंट्रोल करता है कि कहाँ पे उनको और अच्छे रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है और फिर फाइनली सप्लाई चेन मैनेजर कंबाइन करता है इन प्रोसेस को कि गुड्स एंड सर्विसेज की कैसे हैंडलिंग होगी कैसे इन्वेंट्री होगी कब रिसीव होगा कब शिपमेंट में जाएगा कब सप्लायर से पेमेंट आएगा तो आप इन पूरी प्रोसेस को डेवलप करते हैं अच्छी तरीके से ताकि आपका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम है वो सही तरीके से चल सके नेक्स्ट आता है मेकिंग ये थर्ड स्टेप होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रोसेस की जब भी आपने मैनुफेक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाया है कस्टमर की डिमांड को देखते हुए तो इस स्टेज में आप प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे प्रोड्यूस करेंगे टेस्ट करते हैं पैक करते हैं और डिलीवरी के साथ जोड़ते हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजर शेड्यूल करता है सारी एक्टिविटी को कि कब मैन्युफेक्चरिंग होगी कब टेस्टिंग होगी पैकेजिंग होगी प्रोडक्ट की डिलीवरी की प्रिपरेशन करना और ये पूरे मैट्रिक्स को सप्लाई चेन में बनाता है क्वालिटी लेवल प्रोडक्ट का क्या होगा प्रोडक्शन के कैसे आउटपुट आएंगे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी तो आप इसमें प्रोडक्ट को पूरी तरीके से मैन्युफेक्चरिंग करके बना के रेडी करते हैं प्रोडक्शन में नेक्स्ट आता है डिलीवरी ये फोर्थ स्टेज होती है इसमें प्रोडक्ट को आप डिलीवर करते कस्टमर को कौन सी लोकेशन पे सप्लायर को वो प्रोडक्ट जी होगा तो इस स्टेज में बेसिकली आप लॉजिस्टिक के फेस को देखते कस्टमर ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा डिलीवर करेगा उसकी पूरा प्लान करते हैं आप अच्छी तरीके से और इसमें आप पूरे लॉजिस्टिक के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं कोलेब्रेशन करते कि ऑर्डर आया कस्टमर को मिला फिर वो नेटवर्क को स्टेब्लिश करता है कैसे वेयर हाउसेस में जाएगा वहाँ से कैसे आप पिक कर सकते हो और कैसे कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं इन सिस्टम के साथ में और कैसे आपको पेमेंट मिलेगा तो आप इसमें पूरी डिलीवरी की प्रोसेस को देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑर्डर आने के बाद आप कैसे उस को डिलीवरी तक पहुंचाते हैं लास्ट आता है रिटर्निंग ये लास्ट और फाइनल स्टेज होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कि आप प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं अगर प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट है डैमेज है तो आप सप्लायर को या कस्टमर को रिटर्न करते हैं कंपनी को नीड होती है कि वो कैसे डील करेगा जो भी कस्टमर की क्वेरीज है कंप्लेन है और उसके लिए वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा तो इस स्टेज में जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करते हैं और उनको जो भी प्रोडक्ट में डैमेज है डिफ़ेक्ट है तो आप उसको रिटर्न करके या फिर रिफ़ंड करते हैं तो ये लास्ट स्टेज होती है फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो पहले वो कंपनी ने प्लान बनाया फिर उसको डेवलप किया फिर प्रोडक्ट को बनाया फिर आपने ऑर्डर किया तो वो डिलीवर करती है और आपको पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न करते हैं ये आपका फीडबैक होता है तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या प्रोसेस होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जिसमें आपने देखा प्लान डेवलप मेक डिलीवर और रिटर्न वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू